हेलो वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अब आज हम जानते हैं ये कूलर का पंप है छोटा, इसमें जो खराबी होती है और किस प्रकार ये जाम होता है, तो इसको किस प्रकार आसानी से हम घर पर सिर्फ 5 मिनट में सही कर सकते हैं, ये इसकी जानकारी हम जानते हैं। तो किस प्रकार ये सही होता है और आपको मैं क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ये जो पंप है ये मेरे कूलर में था और ये ख़राब हो चुका है, चल नहीं रहा अभी, तो इसको मैंने बाहर निकाला है कूलर से, तो ये थोड़ा सा गीला है, तो मैं थोड़ा सा इस कपड़े से इसको साफ़ कर लेता हूँ बाहर से जो गंदगी है ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना बाहर की पहले बॉडी, उसके बाद में हम क्या करते हैं, पहले इस तार को देख लीजिए, ये तार कहीं पर भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, तार एकदम सही होना चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि ये जो इसमें ये पैक होता है, यहाँ से अंदर इसके जो एक चक्री होती है वो घूमती है, तो आप इसको इस चक्री को इस प्रकार घुमाकर खोल लेते हैं। थोड़े जाम ज़्यादा है इसलिए मैं ये बहुत कठिन, इतनी जल्दी नहीं निकलने वाली है, ये थोड़ी सी टाइट होती है, आप निकाल लीजिए इसको बाद में, ये पंखुड़ी है इसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए इसमें थोड़ी सी कचरा है, ये कचरा है, थोड़ी सफाई नहीं हुई इसमें। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, पहले ये पेचकस ले लेते हैं स्टार वाला, ये आगे से नुकीला ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्क्रैच हो सकता है अंदर। पहले हम इसको इस प्रकार घुमा लेते हैं, इसमें घुमा लिया, क्योंकि इसे सही करने से पहले आप इसको पानी में रख लीजिए, पहले ये ठीक रहेगा। इस प्रकार घुमा लेते हैं तो एकदम ये साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। आप पेचकस से कर सकते हैं, कूलर की मोटर ख़राब नहीं होती कभी, ये तार कट जाता है तो आपको चेंज करनी पड़ती है, बाकी आपको मोटर चेंज नहीं करनी पड़ती कूलर की, 2 मिनट में आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है ना ये नमक होता है ये जम जाता है और इसमें थोड़ा सा कचरा आ जाता है और कुछ नहीं होता। तो ये पेपर लीजिए आप, 320 नंबर है, इससे क्या होता है कि ये घिसता नहीं है ज़्यादा, इसमें नमक नमक जो ऊपर परत है वो उतरेगी। तो इस प्रकार से आप घुमाकर उतार लीजिए इसको, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, हल्के हल्के हाथ से। फिर क्या करना है, ये वाला भी, इस पर नमक है यहाँ पर, इसको भी साफ़ करना है, इसे बाहर निकाल लीजिए ऐसे और इस प्रकार साफ़ कर लीजिए। ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से साफ़ करना है क्योंकि यही जो मेन इसकी रोड होती है जो घूमने का काम करती है। ये थोड़ा सा नमक है तो इसको मैं पेचकस से देखता हूँ होता है क्या, क्योंकि ये परत बहुत टाइट हो जाती है नमक की। ठीक है, इसको होने के बाद में क्या करते हैं, दोबारा से इसके अंदर लगाते हैं और अंदर एकदम पूरी सीधा सा लगाकर, अंदर भी एक प्लास्टिक की रिंग होती है इसमें, ध्यान से लगाना, लगा लेते हैं। ध्यान रखें इसमें ऑयल नहीं डालना है, कुछ बता रहे हैं कि ऑयल से दोबारा इसके अंदर मिट्टी धूल है वो फंस जाएगी, बाद में ये चलेगा भी नहीं, रोज़ बंद हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑयल बिल्कुल भी मत डालना, साफ पानी से धो लीजिए इसको अच्छी तरीके से। और ये जो पेपर है ये हल्का होना चाहिए एकदम, देखिए इसमें मैंने 320 नंबर लिया है, हल्का होना चाहिए, ज़्यादा अगर बड़ा होगा तो इसमें स्क्रैच आ जाएंगे मोटर में। और बाद में वापस ऐसे ढक लीजिए, फिर अच्छे से धो लीजिए पानी से, ये वाले है ना इसको अच्छे से धो लीजिए, बाद में आप इसे लगा सकते हैं। और अगर आप के कूलर में अभी भी कोई दिक्कत है तुरंत आप सही कर सकते हैं, मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिजली में लगाकर आप सिर्फ 10 मिनट का टाइम भी आपको नहीं लगेगा, एकदम अच्छे तरीके से। आप ये ध्यान रखिए कि तार कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरा पसंद अगर आपको आता है तो आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक का भी आपको पैसा नहीं लगता है। और धन्यवाद।